हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज एक ऐसा नाश्ता बनाने जा रहे हैं जिसे बनाने के बाद आप मार्केट से कचौड़ी या पकौड़ी ख़रीदना भूल जाएंगे और घर पर ही इसे बनाएंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता बनकर तैयार होने वाला है। ब्रेड और कुछ सब्जियों के साथ हम ये नाश्ता तैयार करेंगे और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। और इसके सामने बाज़ार का कचौड़ी, पकौड़ी, समोसा सब फीका लगने वाला है, ऐसा मुझे विश्वास है। रेसिपी पूरी देखिए और रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं ये मज़ेदार रेसिपी। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है गाजर, प्याज और शिमला मिर्च। गाजर को छीलकर उसे पानी से धो लिया है और प्याज का छिलका निकाल लिया है और शिमला मिर्च के बीज अलग कर दिए हैं। अब बारी बारी से इन सभी को छोटे टुकड़ों में काटकर चॉपर में डाल दूंगी। चॉपर की मदद से मैं यहाँ पर सभी सब्जियों को छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें बारीक कटी हुई सब्जियों की आवश्यकता होगी, इसलिए मैं सभी सब्जियों को चॉपर में डालकर बारीक कट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने प्याज को डाल दिया है, अब शिमला मिर्च को मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब चॉपर का ढक्कन बंद करके बारीक कट कर लूँगी। सब्जियों को ना तो ज़्यादा मोटा रखें और ना ही ज़्यादा पतला रखें। ध्यान रहे सब्जियों को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, नहीं तो उसमें से पानी निकलने लगेगा। प्याज और शिमला मिर्च बारीक कटकर तैयार है। अब इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। इस तरह से प्याज और शिमला मिर्च को मैंने कट कर लिया है। ध्यान रहे अगर हम ज़्यादा पतला इन सब्जियों को कट कर लेंगे तो उसमें से मॉइस्चर ज़्यादा निकलने लगेगा और फिर हमारी रेसिपी अच्छे से नहीं बन पाएगी। अब यहाँ पर मैं गाजर को छोटे टुकड़ों में कट करके चॉपर में डाल रही हूँ। गाजर को छोटे टुकड़ों में काट कर मैंने यहाँ पर चॉपर में डाल दिया है और इसे भी बारीक कर लूँगी। गाजर बारीक कट कर तैयार है। अब इसे भी हम बॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पर आप और सब्जियाँ भी इसमें डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो बीन्स, पत्ता गोभी, इस तरह और भी सब्जियाँ अगर आप इसमें डालना चाहें तो वह भी डाल सकते हैं। अब एक कढ़ाई लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और एक बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने पर दो पिंच हींग डालेंगे और आधा चम्मच राई दाना डालेंगे। राई तड़क जाने पर ये सारी सब्जियां जो भी हमने काट कर रखी थी इसे कढ़ाई में डाल देंगे और इसे चलाते रहेंगे। 3 से 4 मिनट तक इसे चलाएंगे जब तक कि सभी सब्जियां सॉफ्ट ना हो जाए। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, जीरा पाउडर आधा चम्मच, अमचूर पाउडर 1 चम्मच, इस तरह सभी मसाले इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जियां सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे
और फ्लेम ऑफ कर देंगे। इस तरह से ये हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है। इस स्टफिंग को एक प्लेट में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। अब मैंने यहाँ पर ले ली है एक ब्रेड और इसके सभी साइड कट कर लिए हैं। इस तरह से आप सभी ब्रेड के साइड कट कर लीजिए और अब इस पे हमें थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर सॉफ्ट करना है और थोड़ी थोड़ी स्टफिंग इसके ऊपर हमें रख देनी है। इस तरह से 2 चम्मच स्टफिंग रखने के बाद एक चीज़ स्लाइस मैंने यहाँ पर रख दिया है और इस तरह से इसे सावधानी से हमें कवर करके बंद कर देना है और एक राउंड शेप दे देना है। और जहाँ भी आपको लगे कवर नहीं हो रहा है वहाँ पर थोड़ा सा पानी लगा दीजिए तो वो अच्छे से बाइंड हो जाएगा। इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको राउंड शेप दे दिया है। एक ही स्टफिंग से हम 4 अलग-अलग स्टफिंग तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने इस फिलिंग में चीज़ डाल दिया था। अब दूसरे में मैं विदाउट चीज़ बनाने वाली हूँ। तो सब्जियों का जो ये मसाला मैंने बनाया था केवल वही इसमें फिल करूँगी। ये विदाउट चीज़ मैं बना रही हूँ और इसे भी मैं अच्छे से बाइंड कर लूँगी और एक राउंड शेप दे दूँगी। ये नाश्ता बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि एक ही स्टफिंग तैयार करके आप 4 अलग-अलग तरह की फ्लेवरफुल स्टफिंग बना सकते हैं और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आने वाला है। एक ही स्टफिंग से वे बोर नहीं होंगे। तो 2 तरह से मैंने इसे तैयार कर लिया है। एक में मैंने केवल वेजिटेबल वाला स्टफिंग डाला है और दूसरे में वेजिटेबल के साथ मैंने चीज़ स्लाइस डाल दिया है। इस तरह से 2 प्रकार से मैंने इसे बना दिया है। अब इसी स्टफिंग से मैं 3रा टाइप बनाने वाली हूँ जो सब्जियों की स्टफिंग मैंने बनाकर रखी थी उसमें मैं 2 आलू डाल दूंगी। ये उबले हुए आलू हैं, इन्हें मैंने हाथों से मैश कर लिया है। 2 से 3 आलू आप इसमें डाल दीजिए, छोटे छोटे 2 से 3 आलू आप इसमें डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लीजिए। आलू को अच्छे से मैश करके इसमें मिक्स कर लीजिए और अब इस तरह से बनने वाली है हमारी 3री स्टफिंग। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होने वाला है नाश्ता। तो यहाँ पर मैंने आलू और सब्जियों की स्टफिंग को ब्रेड पर रख दिया है और यहाँ पर मैं रखूँगी चीज़ स्लाइस
और फिर इसे दूसरी ब्रेड से कवर कर दूंगी और इसे भी मैं राउंड शेप दे दूंगी। फ्रेंड्स, जब ये आप नाश्ता बनाएंगे तो बच्चे इसे खा के बहुत ही दीवाने हो जाने वाले हैं। बच्चे ही नहीं, बड़े भी। और अगर आपने किसी मेहमान के सामने इसे रख दिया तो बहुत ही तारीफ़ करने वाले हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने तीसरे तरीके से इसे तैयार कर लिया है। अब चौथे तरीके में मैं यहाँ पर विदाउट चीज़ इसे बनाने वाली हूँ। तो आलू और सब्जियों का मसाला मैंने इसमें भर दिया है और इसे भी राउंड शेप देकर कवर कर लिया है। ध्यान रहे, जब भी आप इसे राउंड शेप देंगे तो ब्रेड को पानी से अच्छे से गीला कर लें, और जहाँ भी आपको लगे कि कवर नहीं हो रहा तो वहाँ पर थोड़ा सा पानी लगा लें, जिससे कि वो अच्छे से बाइंड हो जाएगा और राउंड शेप आ जाएगी। यहाँ पर मैंने सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। सभी बॉल्स बनकर तैयार हैं। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है और इसमें ऑयल गरम होने के लिए पहले से ही रख दिया था, और ये सारे बॉल्स इसमें डाल दूंगी। और इसका गोल्डन कलर आने पर इसे हम बारी बारी से निकाल लेंगे। इसे अच्छे से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लीजिए। तैयार है हमारा बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता। घर के ही सामानों से आप बहुत ही टेस्टी नाश्ता तैयार कर सकते हैं। कुछ टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करिए और बनाइए बाज़ार से भी स्वादिष्ट और सेहतमंद नाश्ता, जो कि बच्चों से लेकर बड़ों तक पसंद आने वाला है और मेहमान तो बहुत ही तारीफ़ करने वाले हैं। और एक बार बनाएंगे तो आपको बार बार यही बनाने का मन करेगा। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। इस रेसिपी को ट्राई करिए और रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।